गुंजाइश है जो आप यहां पर हम बता रहे हैं कि देखो कितना कमाल हमने किया था, हम जब संसद में हार गए हमने इस्तीफा दे दिया था। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने कभी ऐसा किया क्या कि विधानसभा में हार गए हो और आपने इस्तीफा नहीं दिया हो, संसद में हार गए हो और आपने इस्तीफा नहीं दिया हो? थोड़ा हम लोगों का ज्ञानवर्धन हो जाएगा। आप ऐसा कर चुके क्या, थोड़ा बताएं सुरेंद्र जी। हिमांशु भाई, आप गंगा नहाए हैं जी? अभी तो इसी कार्यक्रम में नहा ले रहे हैं। अगर आप नहाए तो कई लोग वहां फिसल, सुन लीजिए, जब वहां पे जाते हैं ना तो कुछ लोग फिसल जाते हैं जी। तो जैसे कहते हैं ना, फिसल गए तो हर हर गंगे जी। तो ये किनारे खड़े हुए लोग अपनी अपनी चीजों को ऐसा बताते कि जैसे बाप रे बाप, क्या नाम, जब आजादी के आंदोलन जब ये लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे तब भी कहते थे बड़ा महान काम कर रहे हैं जी। अंग्रेजों के लिए सेना इकट्ठी करते थे तब भी कहते थे बड़ा महान काम कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के 1,00,000 सैनिकों को मरवाते थे जब ये, खैर इतिहास में मत जाइए, कोई फायदा नहीं। मैं आपको बताऊं, उसके बाद आप आ जाइए, आप विषय पर आ जाइए। ये भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल गोयल जी, बहुत बढ़िया आदमी है। भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ले आ रहे हैं, कह रहे हैं भैया भ्रष्टाचार करना है तो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के साथ रहो, वरना ईडी की जेल में रहो, सीबीआई की जेल में रहो, इनकम टैक्स की जेल में रहो। भ्रष्टाचार करके अगर तुम भाजपा में आ गए तो तुम संत भी हो, महंत भी हो, नरेंद्र मोदी भी हो। तो आज की डेट में सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी अगर दुनिया की कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। लेटेस्ट भ्रष्टाचार की जो इन्होंने खुद आरोप लगाए थे, हमने नहीं अजीत दादा के ऊपर आरोप लगाए, इन्होंने लगाए थे 70,000 करोड़ के, इन्होंने नारायण राणे के ऊपर आरोप लगाए, 2 बैल गाड़ी भर करके आरोप पत्र ले गए थे लोग, हम नहीं ले गए थे। आज नारायण राणे केंद्र में मंत्री हैं, प्रफुल्ल पटेल को इन्होंने क्या क्या नहीं कहा था, केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं अभी, ये हसन मुशरिफ जी 100 करोड़ रुपए का ईडी वाला, तो उसको रेगुलर बेल भी दिला दी, अब केस ही परसों नहीं हो रहा है। तो ये लोग भ्रष्टाचारियों को अपने यहां रख करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, भ्रष्टाचार युक्त भाजपा के साथ में। तो ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, आज की डेट में इनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। नंबर 1, जब आप आ जाते हैं उस स्तर पर कि भाई